हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन वर्ल्ड बाय कृतिका। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ड्रमस्टिक करी, यानी कि सहजन की सब्जी की रेसिपी, जिसे हम कोकोनट ग्रेवी के संग बनाने वाले हैं। इसलिए फुल टू साउथ इंडियन टेस्ट और फ्लेवर के संग आज हम ड्रमस्टिक करी बनाएंगे। साउथ में सहजन को काफ़ी पसंद किया जाता है और बहुत खाई भी जाती है, लेकिन हमारे उत्तर भारत की साइड इसे कम ही पसंद किया जाता है। एक तो इसके टेस्ट की वजह से कईयों को ये पसंद नहीं आता है इसका टेस्ट, और दूसरी बात है इसे खाने के तरीके की वजह से, क्योंकि इसके अंदर का पार्ट खाया जाता है और जो बाहर की इनर हार्ड स्किन जो होती है वो हमें मुँह से उसे निकालना पड़ता है अलग से। इसलिए ये तरीका थोड़ा कम ही पसंद करते हैं यहाँ की साइड, इसलिए कम खाते भी हैं। पर मैं यहाँ पर सहजन की सब्जी जिस तरीके से आपको बताने वाली हूँ, उससे खाकर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है खाने में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो मैंने यहाँ पर ले ली है सहजन की फलियाँ 250 ग्राम। हमारे मथुरा में ये कम ही मिलती हैं, और जब भी मिलती हैं मेरी सिस्टर इसे ले आती है। तो सहजन की सब्जी में सबसे बड़ा काम होता है इस सहजन की फली को बनाना, यानी कि इसको पिल आउट करना। तो सबसे पहले ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा पार्ट इसको निकाल दीजिए, और फिर इसको 2 से 2.5 इंच के गैप पर कट कर लीजिए। और कट करने के बाद हमें इनको पिल आउट करना है। इसका जो बाहरी हार्ड वाला पार्ट है जितना भी, उसको हमें अच्छे से छील लेना है, ताकि जो खाने में इनको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। तो ये जो सहजन की फली है वो काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, गाजर से कई गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, संतरे से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, केले से ज़्यादा कई गुना पोटेशियम होता है। तो बहुत ज़्यादा ताकतवर वेजिटेबल ये मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है ये सब्जी, और इसलिए ये वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी सभी ड्रमस्टिक को इस तरह से पिल आउट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से छील लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है 1 से 1.5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। गर्म होने पर इसमें डालेंगे राई, जीरा, चने की दाल थोड़ी सी, और थोड़ी सी उड़द की दाल। साथ ही इसमें मिलाएंगे हम 2 हरी मिर्च बड़े साइज में कटी हुई, और ग्रेट की हुई अदरक 1 छोटी चम्मच के करीब, और इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और जब अच्छे से भून जाए सभी चीज़ें, तब हम इसमें मिलाएंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू बड़े बड़े कटे हुए, और सहजन की फली इसमें मिला देते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मिलाएंगे हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी पानी, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए हमें इसको 3 से 5 मिनट तक पकाना है, या जब तक कि आलू और ड्रमस्टिक सॉफ्ट नहीं हो जाते। तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 1 छोटी कटोरी फ्रेश नारियल लिया है, और इसी के साथ मैं इसमें लाऊंगी 1 छोटी चम्मच खसखस, और साथ में मिला देते हैं 8 से 10 सोक्ड किए हुए यानी कि भीगे हुए काजू। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम से पानी ऐड करने पर जो नारियल है वो अच्छे से पिसेगा नहीं, इसलिए 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसको एक ग्रेवी, एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी करी का पेस्ट तैयार कर लिया है। बहुत ही थिक पेस्ट है, ना पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, तो एक क्रीमी टेक्सचर के साथ हमने इसे तैयार कर लिया है। साथ ही यहाँ पर हमारी जो ड्रमस्टिक और आलू हैं ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो रखा है इस समय। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े टमाटर को अच्छे से बड़े साइज़ में कट किया हुआ है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर मिला देती हूँ ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड की हुई। ध्यान रहे हम हरी मिर्च पहले भी ऐड कर चुके हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च इसमें मिलाइएगा। साथ ही मैंने इसमें मिला दिया है धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब हमने जो कोकोनट का पेस्ट तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, और इसी के साथ ही हम मिला देते हैं इसमें 1 छोटी कटोरी पानी, और अब इसको जेंटली मिक्स करना है हमें। तो साउथ इंडियन कोई भी डिश हो उसमें नारियल बहुत ज़रूरी होता है, बिना नारियल के उसमें साउथ इंडियन दक्षिण भारत जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं आ पाता। और इस तरह हमने इसे कर लिया है मिक्स। ग्रेवी हमारी थिक है, तो इस समय मैं इसमें 1 छोटी कटोरी पानी और ऐड कर देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ,
और फिर से इसे हम कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। और 3 से 4 मिनट में हमारी जो ड्रमस्टिक करी है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें इसे मिक्स करना है हल्के हाथों से चलाते हुए। तो जो सहजन की फली है मार्केट में आपको 2 तरह की मिलती है, एक थोड़ी कड़वाहट लिए हुए होती है और एक का टेस्ट अच्छा होता है, नॉर्मल होता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी मार्केट से लेकर आएँ वो टेस्ट करके लेकर आएँ। गरम मसाले के फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च और लौंग का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा मसाले यूज़ करने से इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च और लौंग का जो पाउडर है वो यूज़ किया है। साथ ही मैंने इसमें मिला दिया है फ्रेश कोरिएंडर यानी कि मेरा पसंदीदा हरा धनिया और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देख सकते हैं और टेक्सचर देख के ही इसके टेस्ट का पता आपको लग जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। अगर आप इसे एक बार खा लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। अब ये हमारी ऑथेंटिक टेस्ट वाली साउथ इंडियन ड्रमस्टिक करी हो गई है बनकर रेडी। तो मैं इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बोल में। अब इस तरह से बनी हुई सहजन की सब्जी को तो हर कोई खाना चाहेगा। जिसे ये सहजन पसंद है वो तो बड़े चाव से खाएंगे ही, पर जिसे पसंद नहीं है वो अगर एक बार खा लेंगे तो बार बार खाएंगे। और ये मोस्ट पावरफुल वेजिटेबल आपको ज़रूर खानी भी चाहिए क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अब आप इसे रोटी के संग, राइस के संग, नान के संग, चपाती के संग, पराठों के संग, किसी के भी संग एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली मुझे तो ये चावल के संग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने तो अपनी यहाँ पर थाली लगा ली है। अब आप भी बिल्कुल देर मत कीजिए क्योंकि सहजन जो है वो इस समय आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी। तो बस बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।